दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। अपनी परंपरागत बुधनी सीट को जीतने में कामयाब रही भाजपा को विजयपुर से हार का सामना करना पड़ा है। विजयपुर सीट जीतकर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में संजीवनी मिल गई है। ऐसे में अब कांग्रेस एक बार फिर पूरे जोश के साथ मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। हालांकि इसी बीच अब चर्चाओं का बाजार तेज हो गया है कि क्या विजयपुर में जीत के बाद बड़ा खेल हो सकता है। भाजपा अपनी आदत अनुसार नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक को भाजपा में ला सकती है। मंत्री रावत की जगह वन विभाग की बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक को दी जाने की उम्मीद और सियासी अटकलें तेज हो चली हैं। माना जा रहा है कि मुकेश मल्होत्रा जल्द ही अपना पाला बदल सकते हैं और विजयपुर में एक बार फिर बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि इसके संकेत खुद मुकेश मल्होत्रा ने दिए हैं। दरअसल मुकेश मल्होत्रा ने जीत के बाद रावत पर बड़ा हमला बोला। वहीं उन्होंने एक मीडिया चैनल से खुलकर बात भी की, जिसमें उन्होंने अलग अलग विषयों पर अपनी राय रखी। रावत पर हमला बोलते हुए मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि मैं सीएम से जल्द मुलाकात करूंगा। मुकेश मल्होत्रा के इस बयान के बाद अब सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो चली है कि क्या अब मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में जा सकते हैं। दरअसल चर्चाओं का बाजार इसीलिए भी तेज है क्योंकि भाजपा मुकेश मल्होत्रा को पार्टी की सदस्यता दिलाने में देरी नहीं करेगी। दरअसल मीडिया चैनल से बात करते हुए मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि सीएम मोहन से मुलाकात करूंगा। इस दौरान मुकेश मल्होत्रा ने सीएम से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास के लिए बात करने की बात कही। विधायक के इस बयान के बाद अब चर्चाओं का बाजार तेज है। ऐसे में देखना होगा कि क्या मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा सकते हैं।